पूछी कि बच्ची आपके साथ क्या हुआ, तो बताई लगातार ऐसे 2 महीने बुलाते थे, जीरा पापा देते थे, मेरे साथ गंदा काम करते थे। अयोध्या वाले थैंक यू सर। अवधेश जी, आपके साथ तस्वीर दिखाई दी, आपके साथ फोटो है, प्लेन है, प्लेन छूट जाएगी। गजब की खामोशी है ये, गजब की चुप्पी है ये, चुभने वाली घनघोर सियासी चुप्पी। बताइए कि इतना बड़ा पाप हो गया है अयोध्या की धरती पर, मगर ना तो डिंपल जी बोलने के लिए तैयार हैं, ना अखिलेश जी, ना ही राहुल गांधी जी कुछ बोल रहे हैं, और ना ही वो अवधेश बाबू जिन्हें उनके नेता ने प्रतिष्ठा के प्रत्यय से महानता का पर्याय बनाकर अयोध्या का राजा घोषित कर दिया। मगर स्वयंभू समाजवादी राजा के अयोध्या में अधर्म हो गया, मगर ये शब्द बोलने के लिए वो तैयार नहीं है। विरोधी कह रहे हैं कि तकनीकी तौर पर ये इसलिए मौन है क्योंकि इन्हें पता है बलात्कारी कौन है। दुखद है, पीड़ादायक है, रूह कांप रही है। वो 12 साल की बच्ची, गरीब बच्ची, और उसके साथ बलात्कार हुआ। सेकुलरिज्म के शूरमा, जितने भी सेकुलरिज्म के आलमदार हैं, कोई नहीं बोल रहा है, सब खामोश है। अखिलेश यादव चुप, डिंपल जी को पता नहीं, राहुल गांधी जी का कोई पता नहीं। ये सियासी चुप्पी क्यों है, उसे जानने से पहले जान लीजिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अयोध्या में कितना बड़ा पाप हुआ है। आरोप है कि 12 साल की एक बच्ची को बेकरी के मालिक और उसके नौकर ने गैंगरेप किया, बिस्किट देने के बहाने बुलाते और दोनों मिलकर उसका गैंगरेप करते थे। आरोप है कि करीब 2.5 महीने तक दोनों फूल सी बच्ची का बलात्कार करते रहे, गैंगरेप करने के बाद उसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। इसका खुलासा तब हुआ जब बच्ची प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन इस शर्मनाक और दर्दनाक घटना पर समाजवादी पार्टी के बड़े से बड़े नेता चुप्पी की चादर ओढ़े हुए हैं। पता है क्यों? क्योंकि जिस शख्स पर 12 साल की बच्ची से रेप कर उसका घिनौना वीडियो बनाने का इल्जाम है, वो साइकिल छाप पार्टी का नेता है, नाम है मोहित खान। मोहित खान अभी समाजवादी पार्टी का भदरसा नगर अध्यक्ष है, इससे पहले वो पार्टी का जिला अध्यक्ष भी रह चुका है, अयोध्या के मौजूदा सांसद अवधेश बाबू का करीबी है। इतना करीबी कि पूछिए मत, 1-2 नहीं 73 तस्वीर मिल जाएगी सोशल मीडिया पर दोनों की नजदीकी की व्याख्या करते हुए, चुनाव से पहले का भी, चुनाव के दौरान का भी, और चुनावी जीत के बाद का भी। कहीं साथ बैठे हैं दोनों, कहीं साथ खड़े हैं, कहीं मंत्रणा कर रहे हैं दोनों मिलकर। योगी के मंत्री कह रहे हैं कि अवधेश बाबू का लेफ्टिनेंट है ये पापी मोहित खान, का नेता ही नहीं है, वर्तमान सांसद जी के संरक्षण में पलने वाला है, और उनके पिछले सरकारों के समय से उसके घर में पुलिस चौकी भी चल रही थी, हमारे संज्ञान में आने के बाद रात में पुलिस चौकी में, और वो अभी संरक्षण दे रहे हैं और उसके से सपा नेता पैरवी भी कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद के इस कथित करीबी नेता ने इतना बड़ा कांड कर दिया, उनकी अयोध्या की एक बेटी की मान और मर्यादा को अपने हवस तले रौंद दिया, मगर उन्हें कुछ पता ही नहीं। जब पत्रकार ने इस पर सवाल पूछा तो इस हिंदी पट्टी के खांटी समाजवादी नेता के अंदर की अंग्रेजी शब्दों में कुछ यूं प्रवाहित होने लगी। आपकी पार्टी के एक नेता पर आरोप लगा है, नगर अध्यक्ष है, उन पर आरोप लगा एक माइनर लड़की से रेप का, क्या कहना है सर आपका? मैंने भी कहा कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट अनलेस अनटिल, जब तक हमको कोई जानकारी न हो तो आई एम नॉट एबल टू से, आई एम नॉट एबल टू अटर एनीथिंग, एनी वर्ड्स रिगार्डिंग मैटर। अब हम जानकारी ले लेंगे, जानकारी ले लेंगे तब कोई बात आपसे बता पाएंगे सर। लेकिन हर जगह मीडिया में ये बातें सामने हैं, फोटो वीडियो सब कुछ सामने है। लेट मी नो अबाउट दी एक्सीडेंट्स, अबाउट दी मैटर, what were you like to ask me, so let me inquire, let me see, तभी तो बोल पाएंगे। इसी संसद भवन के सामने डिंपल जी से भी इसी अयोध्या कांड पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी इस सवाल को टाल दिया।
जबकि डिंपल भाभी ने लखनऊ के शर्मनाक कांड पर लंबा चौड़ा व्याख्यान देने के बाद महिला सुरक्षा पर योगी सरकार को ज्ञान दिया था। हमने देखा है कि जो आंकड़े हैं एनसीआरबी के बता रहे हैं कि लगातार महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं। आपके चैनल से हम कहना भी चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार को, जो हमारी 1090 जो महिलाओं के लिए सेवा शुरू की गई थी, तो उसको भी वो फिर से चालू करें। धन्यवाद। अयोध्या वाले थैंक यू सो मच। चलिए आइए आइए तो ले कहाँ पे क्या हो रहा है। बात बात पर आक्रामक होने वाले अखिलेश बाबू भी मौन से हैं। सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहने वाले समाजवादी नेता बीजेपी के अंदरूनी कलह पर भी खुलकर बोल रहे हैं। नजूल जमीन विधेयक पर भी, पीडीओ को लेकर भी, 24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के जीत की प्रतिमूर्ति बना दिए गए अवधेश बाबू को भी सम्मानित कर रहे हैं। मगर दलित समाज से आने वाले अवधेश प्रसाद की संसदीय क्षेत्र अयोध्या में एक अति पिछड़ी जाति की बच्ची का उन्हीं की पार्टी के एक अल्पसंख्यक नेता 2.5 महीने तक गैंगरेप करता रहा, इस पर अखिलेश बाबू की चुप्पी पर कुछ यूं नश्ता चला रहे हैं योगी के नेता। ये जो थपथपा रहे थे कि अयोध्या कैसे जीते, अयोध्या हमने जीत लिया, अयोध्या जीत लिया, तो अब तो आज पता चल रहा है अयोध्या कैसे जीते हम। ऐसे ही अपराधियों के सहारे जीते हैं, किस तरीके से वोट लेके जीते हुए हैं, अब तक पता चल गया ना अयोध्या कैसे है कि किस तरीके से अपराध है, तो माहौल बनाकर वोट लेने का काम किया। अब विशेष वर्गों में इस तरीके का संरक्षण देना सपा बंद करे। सवाल इसलिए भी है क्योंकि चुनावी नतीजों के बाद अवधेश बाबू को अखिलेश यादव ने अयोध्या का राजा तक घोषित कर दिया था। लोकतंत्र रक्षक सेनानी, आइए लोकतंत्र रक्षक सेनानी, ये खड़े हमारे साथ अवधेश जी, राजा अयोध्या। अवधेश बाबू को अखिलेश ने संसद में आगे रखा, राहुल गांधी ने अवधेश प्रसाद का अभिवादन किया, मगर जिस अवधेश प्रसाद के आदर में शब्दों का पिरामिड बनाकर उसके शीर्ष पर उन्हें इंडी के नेता बिठाते रहे हैं, अब अवधेश प्रसाद के करीबी मोइन खान के कांड पर सब चुप हैं, तो बीजेपी हमलावर है। अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया है। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब बोल रहे थे तब उनके शब्दों में सख्ती थी, उनके तेवर बेहद तल्ख थे। बेटियों की सुरक्षा को लेकर वचनबद्ध भगवाधारी मुख्यमंत्री का अंदाज बेहद आक्रामक था। उन्होंने मोइन खान का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप करने के आरोपी मोइन खान और उसके गुर्गे राजू खान पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोर है, और इस कोर को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी। आश्वासन के तुरंत बाद उन्होंने पीड़ित परिवार को अयोध्या से लखनऊ बुलवाया। जिस बच्ची का गैंगरेप हुआ है उसके पिता नहीं है, सिर्फ माँ है। उसकी माँ एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ लखनऊ पहुंची। सुबह सुबह मुख्यमंत्री ने दोनों से मुलाकात की। क्या चाहती है बच्चे की, आपके बच्चे के क्या इंसाफ चाहिए आपको, क्या मुख्यमंत्री से क्या मांग की आपने? इंसाफ चाहिए और हमारे बच्चे फांसी चाहिए। आप चाहती हैं क्योंकि घर में बुलडोजर भी चले? हाँ, बुलडोजर भी चले। मुख्यमंत्री से आपने बताया आप बड़ी बातें? हाँ, बता के। क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने? कार्रवाई होगी। हमने कहा पूरी कार्रवाई होगी। जिस वक्त ये मुलाकात हो रही थी, पीड़ित परिवार को आश्वस्त कर रहे थे, उस वक्त वहां स्थानीय विधायक भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने अपराधियों को अंजाम तक पहुंचाने का वचन दिया है।
मुख्यमंत्री ने पीड़ित की मां से मुलाकात की तो राज्य बाल संरक्षण आयोग की सदस्य ने जिला महिला चिकित्सालय में पीड़िता से मुलाकात की। इसके पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम नेता कार्यकर्ता अयोध्या में कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे हुए थे। सांसद अवधेश प्रसाद की नियत पर सवालों के चक्रव्यूह खड़ा कर रहे थे। दरअसल अयोध्या में इस घिनौने कांड को लेकर आक्रोश अति पर है। इससे पहले भी स्थानीय लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया था। हंगामे के बाद दोनों आरोपी मोहित खान और राजू खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें नामजद दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। हर तरफ गुस्सा है, नाराजगी है, दर्द है, अथाह दुख है। अयोध्या के संत महंत भी आरोपी बलात्कारी पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अजीबोगरीब है और बड़ी खतरनाक है। ऐसे लोगों को जो है जो सजा हमारे देश में बनी हुई है उससे ज्यादा मिलनी चाहिए इनको, क्योंकि लोग देखें और इबरत हासिल करें कि दोबारा जो है दूसरे लोग ऐसी घटना जो है करने के लिए एक बार सोचें। उनको मैं एक ही चीजें कहूंगा सरकार से कि इनको मृत्यु दंड दिया जाए, क्योंकि एक 12 वर्षीय कन्या अबोध बालिका के साथ ऐसा कृत्य किया गया है जो अक्षम्य अपराध है। अयोध्या के आसपास के लोग बेहद नाराज हैं। तमाम लोग एक सुर में आरोपियों को सूली पर लटकाने की मांग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी एक गुंडों अपराधियों की पार्टी है। इसके चरित्र में ही हत्या, चोरी, लूट, बलात्कार, देशद्रोह, ये लोग हमेशा इसमें संलिप्त रहे हैं। पहले सत्ता में तब भी यही सब काम बहुत हो रहा था, अब फिर हो रहा है। कायदे से तो उस मुस्लिम परिवार का, उसके नौकर का घर और सब गिरवा देना। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, समूचा उत्तर प्रदेश या कहिए कि हिंदुस्तान स्तब्ध है, आक्रोशित है, कठोर दंड की मांग कर रहा है। मगर जिस समाजवादी पार्टी का ये नेता है मोहित खान, उस पार्टी के तमाम बड़े नेता चुप हैं। न तो उस पर कोई एक्शन लिया है, न कोई कुछ बोलने के लिए तैयार है, इसलिए समाजवादी कुनबा मौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।